ये जुगाड़ है भाई, इस जुगाड़ से लोग इधर उधर जा रहे हैं झूले में। डॉक्टर साहब को दिखा दिया, कहाँ जा रहा नीचे, तू कहाँ जा रहा है, तेरे से नहीं होना इसमें डॉक्टर मत। तो दादाजी अभी हमारे साथ ही रह रहे हैं जब से इनका घर गया है। यहाँ देखो मम्मी जी ने कंघी कैसी रखी है। तो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज संजय चौहान, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब ने इतना प्यार दिया है मेरे को जैसे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, लड़कों को कह रहा हूँ, लड़कों का भाई हूँ, लड़कियों का नहीं, लड़कियों का बॉय बेस्ट फ्रेंड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आप सब ने इतना प्यार दिया ना, इतनी दुआएं दी आप लोगों ने। हर किसी के कमेंट्स में पढ़ रहा था, सब लोग ये कह रहे थे कि आप सब हमारी प्रेयर्स में हो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया आप लोगों ने। जब मैंने वो कमेंट्स देखे, हाय हाय इतना सुकून, एक सुकून तो मिलता था कहीं से, और वो सुकून उस वक्त बस आप दे रहे थे, आप लोग दे रहे थे। इतने मतलब प्यारे हो आप लोग की क्या बताऊं। ये वाला ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस ब्लॉग को पूरा देखना। आपको दिखाऊंगा कि बाढ़ के 10-12 दिन बाद जो लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं, और है मेरे घर का आंगन, सारी चीजें कैसे चली है, पूरे गाँव में कैसी चीजें चली है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बाजार के इस साइड के लोग उस साइड कैसे जा रहे हैं बिना ब्रिज के। एक देसी जुगाड़ है और बहुत ही सही जुगाड़ है, दिखाऊंगा आप लोगों को, तो ब्लॉग में बने रहें। अभी हम चलते हैं किचन में, किचन में मेरी मम्मी है, क्या पता उनको भी कुछ कहना हो आपसे, तो चलो। हाँ एक चीज, किचन में ना दोस्तों हम बिना लाइट के रह रहे हैं ना कई दिनों से, आपको तो पता ही है, बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं हमारे को बिना लाइट के जीते हुए। तो किचन में लाइट नहीं है, थोड़ा अंधेरा होगा, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। चलो, उतना भी अंधेरा नहीं है वैसे, पर फ्लैश लाइट है फोन में। यहाँ देखो, यहाँ सोते हैं हम किचन में, किचन में सोते हैं ताकि आवाज आए नदी की, रूम में नहीं आती है ना आवाज नदी की रात को। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किचन में क्यों सोते हैं मम्मी और पापा, उसका भी एक रीजन है। देखो दोस्तों, ये है किचन में खिड़की, ठीक है ना, इस खिड़की से दिखता है साफ साफ कि नदी का लेवल क्या है। यहाँ पे एक विंडो खुली रखते हैं मम्मी और पापा सोती बार, ताकि इस विंडो से नदी का साउंड आता रहे। साउंड भी एक इंडिकेट करता है ना कि लेवल क्या हो सकता है नदी का। तो ये मतलब मेरे मम्मी पापा थोड़े डरे रहते हैं ना नदी के फ्लो से, साउंड ज्यादा होगा, लेवल ज्यादा बढ़ गया होगा नदी का, तो ये एकदम से उठ जाएंगे दोनों और हमारे को भी उठा देंगे और बोलेंगे कि भागो, जान बचाओ, भागो। एक और खुशखबरी है, सिग्नल थोड़ा बहुत आ चुका है यहाँ पे, इतना सिग्नल आ चुका है कि बात हो जाती है, कॉल कुल लग जाती है, पर इंटरनेट अभी भी थोड़ा वीक चलता है यहाँ पे। और इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं कि मंथ लगेगा अभी यहाँ पहुँचने में, और रोड तो मतलब खत्म ही है ना। रोड दिखा देता हूँ आपको एक बार बाहर जाकर, मम्मी भी बाहर चले गए हैं मेरे ख्याल। यहाँ पे देखो हमारे दादू जी का, मैंने दिखाया था आपको, जो पानी में बह गया था, तो दादाजी अभी हमारे साथ ही रह रहे हैं जब से इनका घर गया है। मम्मी जी रही यहाँ, यहाँ रहे पापा जी, तो नदी दिखा रहा हूँ अभी। तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे अभी तक 13-14 दिन हो चुके हैं बाढ़ आने के, कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। वो देखो ये वाला जो रोड है ना, ये हुआ करता था यहाँ से, पर अभी जो ये नदी है ना वो हो चुकी है पहाड़ में टच। यहाँ से कभी भी अब रोड बन नहीं सकता, क्योंकि रोड जो है पूरी तरह खराब कर दिया है नदी ने अब। पर एक चीज मानने वाली है कि नदी का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, जितना नदी का फ्लो पहले हुआ करता था इनिशियली उससे तो ज्यादा ही है अभी भी। पर जितना उस दिन था ना, यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पैर है, यहाँ तक नदी थी, वो भी अपने फुल प्रेशर में, यहाँ से वहां तक जा चुकी है वो। तो अभी फिलहाल हम सब सेफ फील कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे जो है नदी की साउंड है ना, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा साउंड आती है, इन्हों सुनने में भी इरिटेटिंग लगता है, वीडियो में भी खराब लगता है, पर मैं करूँ क्या। दादाजी गए थे 2-3 दिन पहले गांव, अपने गांव वापस, तो गांव के लिए रास्ता जो है ना वो उस तरफ से जाता है, तो बिना पुल के दादाजी गए कैसे और यहाँ पे आए कैसे वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। वो भी एक देसी जुगाड़ है मुड़े तगड़े वाला, जिसकी मैंने बात, वही है वो देसी जुगाड़ जिसकी मदद से दादाजी आए, तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए कैमरामैन चाहिए पहले। मम्मी जी इधर आओ, ला फ्री है ना आप, फ्री है ना, ऑन किया है। या देखो मम्मी जी ने कंघी कैसी रखी है। हाँ वो नहीं, कहाँ जा रहा नीचे, मैं जा रहा हूँ घर, तू कहाँ जा रहा है, तेरे से नहीं होना इसमें, कहाँ जा रहा नीचे,
तू कहाँ जा रहा है? तेरे से नहीं होना इस मुद्दा की मत। ये बंदा हुआ। अब दोस्तों मैं आपको ये देसी जुगाड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मम्मी के साथ। देखो दोस्तों इसका मैकेनिज्म समझो ये कैसे चलता है। इसमें लगी हुई है एक रस्सी यहाँ पे और एक रस्सी लगी है उस तरफ, आप अगर आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, तो अगर इंसान को जाना है उस तरफ वो यहाँ पे बैठेगा और ये ग्रीन कलर की रस्सी कुछ लोग वहाँ पे खींचते रहेंगे और ये यहाँ से स्लाइड करके वहाँ पहुँच जाएगा और इंसान भी वहाँ पहुँच जाएगा। सिमिलरली अगर उसको वहाँ से इधर आना है तो ये वाली रस्सी लगी हुई है, इंसान वहाँ पे इसमें बैठेगा और हम उसको इस रस्सी को यहाँ से खींचेंगे और इंसान यहाँ आ जाएगा। इसी तरह हमने सुबह दादाजी को भी, जो वहाँ पे दिख रहे हैं आपको, दादाजी को भी इस तरफ लाया है सुबह। अभी मैं दिखाता हूँ, ये पापा है, ये भेज रहे हैं झूले को परे, इसको भेज रहे हैं परे, परे डॉक्टर अंकल एक उनको इधर ला रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ देखो गया 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 गया। इसके बाद ये रस्सी खींचनी है इधर, ये है भाई यहाँ का देसी जुगाड़। अब दिखाऊंगा इनको वापस आते हुए। ये डॉक्टर अंकल भी बैठ ही चुके हैं शायद। ये जुगाड़ है भाई, इस जुगाड़ से लोग इधर उधर जा रहे हैं। यहाँ देखो देखो दोस्तों क्या जुगाड़ है, बड़े फनी लग रहे हैं डॉक्टर अंकल। यहाँ देखो संजय चौहान वो खींच रहा है किसी को झूले में, डॉक्टर साहब को। कहाँ गया वो इतनी दूर? ऐसे खींचते हैं। ये आपने देखा हमारा देसी जुगाड़ यहाँ वहाँ जाने का, कैसी थी राइड डॉक्टर अंकल? बढ़िया बढ़िया। नदी से घर कितना दूर है एग्जैक्टली आपको दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ बस कुछ मीटर्स की दूरी रह गई है कवर करनी। आजकल बरसात का मौसम है, रोज बारिश होती रहती है, सुबह से शाम यहाँ पे बारिश ही होती है। अभी पता नहीं मौसम थोड़ा बहुत साफ है तो डर तो बने ही रहता है। जैसे कि मेरी मम्मी ने कहा कि वो लोग किचन में सोते हैं इसीलिए सोते हैं क्योंकि डर तो बना हुआ है। पर हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि अब ऐसा कुछ भी ना हो फिर से। यार हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, ढंग से सो नहीं पाए हैं कई दिनों से अभी। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सिचुएशन लगता है अब कि थोड़ा ठीक हो रही है, नॉर्मलाइज हो रही है पहले से। इस बाढ़ की वजह से ना सारे काम रुक गए हैं, सारे बिजनेस रुक गए हैं। पर एक चीज़ जो बिल्कुल अनअफेक्टेड है ना इन सब चीज़ों से वो ये है ना गुन्नू, है ना गुन्नू, अनअफेक्टेड है ना तू, फ़र्क नहीं पड़ता क्यों हैं। पर लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं एक शॉपकीपर से बहस कर रहा था, वो जो लेडी है उनका फेस मैंने ब्लर नहीं किया था जो कि मेरा फॉल्ट था कि मेरे को उनका फेस जो है ब्लर कर देना चाहिए था, नहीं तो ये डिफेमेशन हो गई थी एक तरह से, जो मेरे को बाद में रियलाइज़ हो गया टाइमली। जब मेरे को रियलाइज़ हुआ ये मैंने फटाफट उसको प्राइवेट कर दिया क्योंकि हम भी किसी का बुरा चाहते नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है ना, इतना प्यार दिया है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा यार, मतलब बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया आप लोगों ने, बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने मेरे को हिम्मत दी। मेरे घर वालों ने जब कमेंट्स पढ़े उनको हिम्मत मिली, मैंने उनको बताया कि लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा हिम्मत मिली। पर उस चीज का पॉलिटिकली कोई बेनिफिट हुआ नहीं है। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं। मेरा नाम है संजय चौहान, मैं रहता हूँ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के न्यूली, एक गाँव पड़ता है यहाँ पे वहाँ पे, और मेरे दो भाई हैं, अजय भाई सबसे बड़ा है, फिर विजय भाई, और मैं सबसे छोटा हूँ, संजय नाम है मेरा। और मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ, 4 साल का कोर्स होता है बी फार्मेसी, थर्ड ईयर हो चुकी है और फोर्थ ईयर की क्लासेस मेरी अगले मंथ से स्टार्ट है। पर मैं अब यूनिवर्सिटी तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि रोड तो सारे ब्लॉक है ना, इस वजह से मैं जा नहीं पाऊंगा, तो मेरे को शायद 2-3 महीना रहना पड़े यहाँ पे क्योंकि रोड इतनी जगह टूटे हुए हैं ना, मैं आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बन जाएगी 4-5 घंटे की, फिर इतने जगह रोड टूटे और काम एक भी जगह स्टार्ट नहीं हुआ है हमारे इलाके में। तो अब खुद ही देख लो इतने दिन बीत गए अभी तक पुल का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो रोड के काम तो दूर की बात है। मेरी वीडियो जो थी वो बहुत सारे नेताओं ने देखी पर किसी ने कोई हरकत नहीं की क्योंकि उनके घर सेफ है ना, तो उनको लेना देना नहीं है इस चीज़ से। आप सब जैसे प्यार करते हो ना, जैसे लव एंड सपोर्ट आपने दिखाया है, बस ऐसे ही दिखाते रहना। और इस चैनल में मैं प्रॉमिस करता हूँ जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है कि आप लोगों को इस चैनल में बस क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा, मैं आपको लेट डाउन बिल्कुल नहीं करूँगा। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय, आई लव यू।